पहले करा दे के यहां पे कवर हो गई आई डोंट हम इसको पकड़ लेंगे अब जो अब कम देगा यहाँ सब करके रहता वहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप लोग जो बैठ रही हूँ स्टार्ट हो रहा है और क्या है मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे आप लोग सबको पता होगा है ना अब चक्र में ले ना मिले लेकिन वो तो अब क्या था अब तो बैठ जाओ बहुत से लोग छुट्टी उठी जाते थे छुट्टी जाने के पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ती तरह तरह की इनके हस्बैंड जो है उन्होंने 10th में काफी साल रिसर्च की देन ही गेव अप तो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन भैया एक बच्चे किसी सार्जेंट के बच्चे का मुंडन उसके लिए भी छुट्टी चाहिए रहती है उसने छुट्टी मांगी एप्लीकेशन आई सर As I want to shave my son's head, please leave me for 2 days. Chutti ki application. As I am marrying my daughter, please grant a week's leave. एक और आई कभी कभी जमी भी हो जाती है घरों में उसके समझ में भी आई एक ही सांस खत्म हो गई तो उसने छुट्टी के लिए अप्लाई किया एज माय मदर इन लॉ एक्सपायर्ड एंड आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट प्लीज ग्रांट मी 4 days लीव एक और एप्लीकेशन का नमूना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर प्लीज डिक्लेयर 1 day हॉलीडे एक और आया माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम सिकनेस एंड एज आई एम हर ओनली हस्बैंड एट होम आई मे बी ग्रांटेड लीव अच्छा अब जॉब एप्लीकेशन जो आपके बारे में एडवर्टाइजमेंट आता है उसकी एप्लीकेशन सुनो दिस हैज अ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग फॉर अ टाइपिस्ट एंड अकाउंटेंट मेल और फीमेल एज आई एम बोथ फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स कैन हैंडल बोथ गुड एक्सपीरियंस specimen applications now this is regarding a WC okay you all know what is WC and I also know a lady wanted to know whether the guest house where she will be staying has a WC or not She wrote to the school master where the guest house
where the guest house was situated. The schoolmaster was not fluent in English. He asked the local priest if he knew the meaning of WC. Together they pondered possible meaning of WC and concluded that the lady wanted to know if there was a wayside chapel near the guest house. उन्होंने कहा जो बताया वहाँ पर कि वहाँ एक वो कैंटीन होती है, कैंटीन में काफ़ी सारे सामान पूरे इंडिया भर से लाते हैं इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को प्लेन तो फ्री में मिलता है तो इसलिए ऐसा लगता है कि वहाँ सब सस्ता मिलता है, लेकिन उसमें पेट्रोल का भाव नहीं लगाते तो गीता जी ने बोल दिया कि एक अपने उनको ऑफिसर को बोल दिया विक्रम भैया के जो स्टाफ अपन एक एक सांस खुद झेल नहीं पाते, सीता जी तीन तीन सांसों को कैसे झेल घरेलू महिला है सर बहुत अच्छा है। फिर आपने ठीक है बात करते 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 उसको देखा ये बड़ी कांप रही है मल्लिका शेरा और ठंड बहुत है। दूसरा कहा कि देखिए मैं तो दो दो तीन तीन जैकेट पहना हूँ और अपनी एक जैकेट उतार के बड़ी शिवालिस ली उसने मल्लिका शेरावत को कहा कि आप ये पहन लीजिए। तो वो कहने लगी कि देखिए साहब आप मेरी ठंड में डाल रहे हैं कि मेरी दुकान का शटर लगा रहे हैं। चलो आप ऑडिशन के लिए आ जाओ द्रोणाचार्य के रोल के लिए। तो सबसे पहले आते हैं दिलीप कुमार। ए भाई प्रोड्यूसर ना पता क्या है मेरा सर ये स्क्रिप्ट। ओके ओके ए भाई अर्जुन सॉरी ए अर्जुन कुछ क्या क्या एक निशान लगा मार ए भाई सर ए भाई मत बोल चिड़िया उड़ जाएगी इतनी देर में सर यू कैन धर्मेंद्र यंगमैन सर कमीने मेरा खून पी जाऊंगा सर मेरा खून क्यों पीएंगे मैं तो आपको पैसे दूंगा। ओके ओके सर स्क्रिप्ट हाँ जी अर्जुन कुत्ते माँ का दूध पिया तो सामने रहा मार्केटिंग का डायलॉग्स अरे जज्बाती मत होइए अर्जुन चिड़िया के आग में शान लगा उसका खून पी जा कुत्ते अच्छा बात नहीं होगा तुझे मार मार के बुला दूंगा।